हेलो एवरीवन टुडे आई एम प्रेजेंटिंग क्लास एट सब्जेक्ट साइंस चैप्टर थ्री सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स लेसन प्लान जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है टाइप्स एंड कैरेटरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स अगर आपको सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स के बारे में उनकी कैरेटरस्टिक्स के बारे में क्लास में पढ़ाना है तो उसके लेकर उसको लेकर आप एक लेसन प्लान कैसे बना सकते हो यही हम वीडियो के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले जब भी एक लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो हमें बेसिक डिटेल फिल करनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्लैकबोर्ड एंट्रीज जिनमें आता है सब्जेक्ट टॉपिक सब टॉपिक पीरियड ड्यूरेशन क्लास और सेक्शन ये बेसिक डिटेल आप सबसे पहले फिल करेंगे जब ये एक लेसन प्लान बनाएंगे उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिवस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ये दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं चाहे एक लिख सकते हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इनके अंदर क्या है कि एक दो ऑब्जेक्टिव है नॉलेज के दो है अंडरस्टैंडिंग के और एक है एप्लीकेशन का इसके अंदर क्या है कि जब भी आप एक लेसन प्लान डिलीवर करें उसके बाद स्टूडेंट कितना एबल हो जाएगा इसकी हम बात करते हैं जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल सिंथेटिक फाइबर्स डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऐसे करके हमने पाँच अपने ऑब्जेक्टिव लिख लिए हैं ये मैक्सिमम फाइव हो सकते हैं और मिनिमम थ्री इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने लिखते हैं इसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स जो भी आप अलग से मटेरियल यूज़ करेंगे अपनी नॉर्मल टीचिंग को सप्लीमेंट करने के लिए उनको हम टीचिंग एड बोलते हैं इसमें जैसे ब्लैक बोर्ड या कुछ फाइबर्स का यूज़ किया है या कोई अगर आपने प्रेजेंटेशन से पढ़ा है वो आप लिख सकते हो आपने कोई टीचिंग एड अलग से टी को यूज़ किया है उसको आप लिख सकते हो जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे वो सब आप यहाँ पर लिख देंगे टीचिंग एड्स में अपने लेसन प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह कोई डायग्राम या कटिंग पेस्टिंग कर सकते हैं इससे फाइल और अच्छी लगेगी अब बात करें चेक प्रीवियस नॉलेज की इसके बाद ये आता है कि इस जब भी हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक के रिगार्डिंग इसके अंदर क्या है प्योपर टीचर्स एक्टिविटी और एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी इसको लेकर एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी में टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछेगा एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट उसका आंसर देंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि बच्चे क्या आंसर देंगे हम एक स्टैंडर्ड आंसर यहाँ पे लिख देते हैं जैसे फ्रॉम विच सब्सटेंस क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ ये टीचर ने पूछा तो बच्चों ने आंसर दिया फाइबर्स तो इस तरह के कोई भी आंसर वो दे सकते हैं तो फिर इसी तरह हम उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे फिर एक ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा जो सीधा रिलेट करे हमारे टॉपिक से जैसे वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स तो अब उन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है तो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे यहीं से हम अपने टॉपिक को करेंगे इंट्रोड्यूस सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ पे भी आप इसी तरह सेम जो भी चीज पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड कोई कटिंग लगा सकते हैं फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के अंदर भी एक टेबल बनती है जिसमें होते हैं टीचिंग पॉइंट पीपल टीचर्स एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज टीचिंग मैथर्ड एंड इवेलुएशन टीचिंग पॉइंट में जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको हमें लिखना होता है जैसे हम पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर यहाँ से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो टेबल टीचर एक्टिविटी में टीचर इसको किस तरीके से पढ़ा है? कोई फाइबर दिखाकर पढ़ा रहा है या कोई वीडियो या फिर ऐसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग करके या पी के थ्रू पढ़ा रहा है तो वो जो भी एक्टिविटी टीचर की रहेगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे फिर एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट उस टाइम क्या करेंगे लाइक स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सम मे नोट डाउन ये उनकी एक्टिविटी होगी और फिर टीचिंग मैथड हम क्या यूज़ कर रहे हैं लेक्चर कम डिमोस्ट्रेशन मैथड यानी कि हम उनको लेक्चर भी दे रहे हैं साथ साथ चीज़ें भी दिखा रहे हैं कुछ समझा भी रहे हैं और जब कुछ चीज़ डिमोस्ट्रेट करते हैं तो हमारा होता है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड फिर इवालेशन में हम इसी टॉपिक से जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ लेंगे ताकि साथ साथ बच्चों की लर्निंग को चेक किया जा सके ये हमने प्रेजेंटेशन कंटिन्यू किया इसमें आगे इसी तरह हम अपने टीचिंग पॉइंट को कम, कम, आगे बढ़ाते हैं फिर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करते हैं तो टीचर की जो भी एक्टिविटी रहेगी उसको आप इसी तरह पूरा नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट की एक्टिविटी यहाँ पे लिखेंगे फिर यहां पे कौन सा मेथड हुआ है हमने डिस्कशन किया है बच्चों से तो डिस्कशन मेथड और फिर सेम ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे लाइक मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तो इसके बारे में आपको बताना है तो ये इस तरह का कोई क्वेश्चन उनसे बच्चों से पूछ लेंगे तो ये इवेल्युएशन में आएगा फिर इसके बाद जब आपका ये प्रेजेंटेशन का पार्ट कंप्लीट होता है फिर आते हैं हम रिकैप्चुलेशन पे रिकैप्चुलेशन क्या है कि जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसका एक रिकैप लेना उसको समराइज करना तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में होता है यहाँ पे क्या है आप थ्री क्वेश्चन लिख सकते हैं फोर फाइव जितना मर्जी क्वेश्चन लिख सकते हैं और इसमें क्या है कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में और वो उनके रिस्पॉन्स देते हैं तो उससे एक रिकैप हो जाता है पूरी क्लास का लाइक एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर वाट आर द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर तो ये सारी चीजें इससे एक रिकैप मिल जाएगा लास्ट में पूरी क्लास को फिर आता है लर्निंग एक्सटेंशन यानी कि होमवर्क क्योंकि होमवर्क में हम एक तरीके से लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं कि वो लर्निंग आउटसाइड द क्लास भी हो सके इसके अंदर क्या है कि टीचर बच्चे को कोई असाइनमेंट दे सकता है या कोई क्वेश्चन उन्हें दे सकता है जिसको वो घर से करके लेके आए तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स तो ये लर्निंग एक्सटेंशन में आ जाएगा उसके बाद हमारा आता है टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए बी एड कोर्स में प्रैक्टिकल असाइनमेंट से रिलेटेड और या फिर दूसरे लेसन प्लान्स की वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल पर जाकर प्ले में देख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग